हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एम टेक स्टॉक एनालिसिस, जहां हम शेयर करते हैं लेटेस्ट चार्ट न्यूज एंड अपडेट। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस ऑन आवर लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको हमारे फ्री इंट्राडे स्टॉक्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स के लेवल जानने हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एम टेक स्टॉक एनालिसिस को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपडेट में बात कर लेते हैं कि यूएस डेटा की, जहां कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जंप हुआ है 7.9% फ्रॉम 7.5% से जनवरी मंथ से फरवरी मंथ में। इन्फ्लेशन इंडेक्स 0.8% इंक्रीज़ हुआ है जनवरी से फरवरी मंथ में, जिसका मतलब कॉस्ट इंक्रीमेंट होगा गैसोलीन, फूड एंड शेल्टर की प्राइसेस में। फरवरी की यह रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि गैसोलीन प्राइस 6.6% इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से 1/3 मंथली इंक्रीमेंट हुआ है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है मैप माई इंडिया की तरफ से, जो एप्पल इनकॉर्पोरेट को मैप सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडिया में। उसने अपने क्वार्टरली रिजल्ट में 14% डिक्लाइन इन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बताया है। टोटल 18 करोड़ का प्रॉफिट शो किया गया है, जब नाइका, जोमैटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार जैसी कंपनियाँ 35-50% डिस्काउंट पर चल रही है अपनी लिस्टिंग प्राइस से। वही मैप माई इंडिया अभी भी 8% हायर प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, 1394 पर शेयर। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है टाटा एंड महिंद्रा ग्रुप की तरफ से, जहां टाटा ग्रुप की कंपनी रेपोस एनर्जी एंड महिंद्रा ट्रक्स एंड बस डिवीजन ने एक टाई अप अनाउंस किया है। इस डील में कंपनी डोर स्टेप फ्यूल डिलीवरी करेंगी। डील में रेपोस 50 महिंद्रा फ्यूरियो ट्रक खरीदेगी एवरी मंथ। आपको बता दें कि रतन टाटा जी की यह कंपनी $3 बिलियन रेस भी करेगी, जिसमें से $1 बिलियन तो सिर्फ ट्रक खरीदने में ही चला जाएगा। अगली अपडेट निकल कर आ रही है कोलगेट पाल्मोलिव की तरफ से, जहां पर कंपनी ने प्रभा नरसिम्हा जी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया है। प्रभा जी हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक्स एग्जीक्यूटिव भी रह चुकी हैं और ये अपना कार्यकाल संभालेंगी 1 सितंबर 2020 से। न्यूज़ निकल कर आ रही है HSBC एंड L&T इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की तरफ से, जिनको CCI ने अप्रूवल दिया है एक डील करने का। इस डील में $425 मिलियन की वैल्यूएशन पर HSBC L&T फाइनेंस होल्डिंग से L&T इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की इक्विटी 100% खरीद लेगा। इस न्यूज़ की वजह से L&T फाइनेंस होल्डिंग कल फोकस में रह सकता है। न्यूज़ निकल कर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने मध्य प्रदेश की कोल्ड फील्ड से निकली गैस को $23 के प्राइस पर गेल, GSPC एंड शेल को बेचा है। आपको बता दें कि रिलायंस ने 0.65 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस $8.28 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट की प्राइस पर भी बेचा है। रिलायंस को इससे काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहां रेलवेज ने डिक्लेयर किया है कि 10 मार्च से वह अपनी ब्लैंकेट, लिनिन एंड कर्टेन की सर्विस को फिर से रिज्यूम करने वाला है। आपको बता दें कि यह सर्विसेज तो स्टार्ट हो गई है, पर किसी भी तरह का कंसेशन रेलवे टिकट पर अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है टाटा पावर की तरफ से, जहां टाटा पावर ने कोलैबोरेशन किया है इनवायरो के साथ, जो कि वाटिका ग्रुप की एक कंपनी है। इस कोलैबोरेशन में टाटा पावर इंस्टॉल करेगा 59 EV चार्जिंग पॉइंट्स वाटिका ग्रुप की 18 प्रॉपर्टीज गुरुग्राम एंड हरियाणा में। यह चार्जिंग स्टेशन पब्लिक एंड सेमी पब्लिक किए जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ प्रोमाइसिस। एस्टिमेट से पता चला है कि भारत को लगभग 4 लाख EV चार्जिंग स्टेशन चाहिए होंगे 2026 में, और टाटा पावर इसके लिए HPCL, TVS मोटर, आमा स्ट्रे एंड ट्रेल्स के साथ पार्टनरशिप भी कर चुका है। आज के दिन की लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है कल्पतरु पावर की तरफ से, जहां कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट मिला है 3,276 करोड़ का इंटरनेशनल मार्केट से। इसके तहत कंपनी डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट करेगी HVDC पावर ट्रांसमिशन लाइन 700 किलोमीटर्स की। जाते जाते अगर आप जानना चाहें कि कौन से स्टॉक्स में आज बल्क डील्स हुई, तो उसकी डिटेल्स भी आपके स्क्रीन पर दी गई है। तो ऐसी ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल एम टेक स्टॉक एनालिसिस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आज आपने कौन सा ट्रेड किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।